दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं शिवकोड़ी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है दोस्तों। तो आइए चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग। दोस्तों, हम फाइनली निकल चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बस की यात्रा से चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं शिवखोड़ी। दोस्तों, शिवखोड़ी भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के रियासी ज़िले में स्थित एक हिंदू धार्मिक गुफा है। यह सागर गांव में स्थित है और शिव जी को समर्पित है। इसमें एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। यह शिवलिंग पर्वतमाला में स्थित और वर्ष के 12 महीनों में शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख श्रद्धा केंद्र है। दोस्तों, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते रहते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ का नेचर हमको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए दोस्तों, कितना हरा भरा और कितना खूबसूरत यहाँ का नेचर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमको तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इस तरह नेचर देखने में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरा भरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट में आप सब लोग ज़रूर बताइए।
दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और यही सब दोस्तों हमको बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए दोस्तों, चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा कैसा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग फाइनली पहुँचने भी वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे शिवखोड़ी। हाँ तो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे लोग घोड़े की सवारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, शाम हो चुकी है दोस्तों, हम लोगों को निकलना भी है तो बहुत ही ज़्यादा देर हो रही है, तो इसलिए हम लोग घोड़ों से चल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, तो आइए दोस्तों चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग। तो आप सब लोग ऐसे बने रहें और देखते रहें गाइस आज का ब्लॉग। की सवारी करना सबके बस की बात नहीं है, ये देखिए दोस्तों हम कैसे हिल रहे हैं। तो दोस्तों, घोड़े पर आप जब भी बैठिए तो सावधानी से बैठिए और घोड़े को पकड़ के ही रखें, नहीं तो आप गिर सकते हैं। तो वही चलते हैं दोस्तों, और आगे हम आप सबको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, तो आप सब लोग बने रहें और देखते रहें गाइस आज का वीडियो।
दोस्तों, घोड़े के पैर में पायल बंधा हुआ है और छन छन की आवाज़ कर रहा है। और ये देखिए दोस्तों, एक मंदिर हमको दिखाई दी है, बहुत ही प्यारी मंदिर है दोस्तों। अगर हम पैदल यात्रा करते तो हमको और ही मज़ा आता है दोस्तों। क्या करें दोस्तों, आज थोड़ा हम लोगों को हो गया लेट, तो लेट की वजह से हम लोग घोड़े से जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको बता दें कि फाइनली हमारा दर्शन हो गया। दोस्तों, वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम आप सबको भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं करा पाए। तो आप सबको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल हमारे नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।